तो की सिटी के अंदर ही मेरे ऊपर, जैसे हम कैब में बैठा हुआ था, मैं बैक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, मेरी आंखों के सामने एक गोली रेड कलर की बुलेट थी, एकदम चीते हुए शीशा क्रॉस करके निकली। उसके बाद हम सब होपलेस हो गए, गाड़ी के अंदर नीचे बैठ गए। नीचे बैठने के बाद सर फायरिंग दबा के हुई, तीन चार बंदे लग जैसे सामने से, मतलब जमीन पे, और तीन चार बंदे ऊपर बिल्डिंग से फायरिंग कर रहे थे कंटिन्यू, AK-47 थी उनके पास। उसके बाद अच्छा हमने सर स्लोली से डोर्स ओपन करे। मैंने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ छाती से टच करके जमीन पे लेट गया, फुटपाथ का सहारा लेके। देन उसके बाद सर दो बुलेट्स मेरी एक घुटने में लगी थी, लेफ्ट हैंड साइड के। एक गोली सर मेरी दूसरे लात को चीरती हुई निकल गई थी, और एक गोली सर मेरे इस हाथ से एंटर करते हुए मेरी चेस्ट के अंदर एंटर कर गई थी। फिर उसके बाद सर मैं बेहोश हो गया था। मेरी आंखें खुलती थी तो मेरे को सिर्फ इतना दिखता था कि हल्का हल्का रोशनी, ठंडी हवा, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर डॉक्टर्स ने मेरे को बताया कि -2 था। 2 तारीख रात को 10 बजे मेरे को होश आई थी। फिर डॉक्टर्स ने मेरे को सारा एक्सप्लेन किया कि सर आपको गोली लगी थी, वहां से हमने आपको रिसीव किया, 3-4 घंटे आप सड़क पे पड़े रहे थे, आपका ब्लड निकल चुका था। फिर इन्होंने मेरे को जो बुलेट थी जो चेस्ट के अंदर, वो इन्होंने निकाल दी है। पेन है सर बॉडी में, मेरी जो सी लेफ्ट लेग है उसमें से भी बुलेट निकाल दी गई है, एंड उसको प्लास्टर कर दिया गया है। 2 तारीख के बाद जब मेरे को होश आया, और सबसे पहले कॉल मैंने अपनी माँ को ही की थी, उसने जैसी मेरी आवाज सुनी सर, आप समझ सकते हैं, फादर मॉम डैड सबसे मेरी बात हुई, सिस्टर से बात हुई, उनको अच्छा फील हुआ, मेरे को भी मच बेटर फील हुआ, नई जिंदगी है सर। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश थी, फिर मैंने, नई जिंदगी है, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ अच्छा टाइम। फिर मैंने यहाँ पे भी, जब मेरे को हॉस्पिटल वालों ने होश आने के बाद मोबाइल प्रोवाइड कराया मेरा, मैंने धीरे धीरे यहाँ पे एम्बेसी वालों से लिंक करने की कोशिश करी, बात करनी स्टार्ट करी। तो सर वो पहले लोग पहले ही यहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं, यहाँ से पहले ही लवीव जा चुके हैं, तो अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं हुई थी मेरी। डेली मैं उनसे बात करता हूँ, सिर्फ यही है करेंगे करेंगे सर, अभी तक करेंगे करेंगे और करने में बहुत फर्क होता है सर। प्लास्टर प्लास्टर चढ़ रखा है, सपोर्ट चाहता हूँ कि सर यहाँ से मेरे को निकाला जाए। उसके बाद सर एम्बेसी मेरे को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराया, जैसे लाइक अगर मेरे को कोई व्हील चेयर पर भी बैठा के बॉर्डर क्रॉस करवाया या कुछ भी करवाया, तो सर मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो सब कुछ करवा सके, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर सर ये जिंदगी दी है सर, तो मैं इसको जीना चाहता हूँ।